वेलकम टू विजय कुकिंग चैनल में सबको स्वागत है दोस्तों। आज बनाने वाली हूँ हैदराबादी दम गोभी रेसिपी, बहुत बेहतर बनेगा। आप लोग को आलू का बना के दिखाया, चलिए गोभी का बनाते। आप लोग वीडियो में बने रहे, स्टीम मत कर। चलिए दोस्तों देरी ना करके बनाने का। तो एक बड़ा वाला मोटा साइज देके चूल्हा में बैठा दिया, ऑलरेडी गर्म हो गया। इसको पहले तेल डालेंगे, कल लगभग 500 ग्राम तो तेल डालेंगे। तेल डालने के बाद गोभी डाल के हाफ फ्राई कर लेंगे। जैसे गोभी काटने के बाद दोस्तों बड़ा बड़ा साइज में काटने को, क्योंकि दम पकेगा ना गोभी, तो मालूम है आप लोग को गोभी जल्दी बॉयल हो जाता है। ठीक है, चलो बड़ा बड़ा साइज में काटिए, दम गोभी में बड़ा साइज में चाहिए। थोड़ी सी हल्दी देंगे, नमक देंगे, हाफ फ्राई कर लेंगे। फिर नमक डाला थोड़ी सी, जो अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। अच्छी तरह मतलब हाफ फ्राई वो नहीं चाहिए, 2 से 3 मिनट इसको तो कच्चापन जाने के तक थोड़ा फ्राई कर लेंगे। ज़्यादा बॉयल करने को नहीं चाहिए, क्यों इसको दम में पकाएं। जैसे हो गया, देखिए बड़ा सिंपल है, इस तरफ से कर लीजिए। करके ये बर्तन में रख लीजिए। रखने के बाद सारे को रख देने को। रखने के बाद आप लोग क्या करना, उही तेल में 200 ग्राम प्याज बारीक काटिंग अच्छे से हाफ फ्राई कर लेने को। ज़्यादा ब्राउन कलर नहीं चाहिए, क्यों आप लोग चाहिए ऐसे डायरेक्ट प्याज काट के वो बना सकते हैं, तो उसमें से अच्छा नहीं पकेगा। तो आप लोग का चॉइस है, जो रेस्टोरेंट है में इस तरफ से बनाने के। तो हमें निकाल लिया, हाफ फ्राई हो गया, इसको ग्रेट कर लेंगे। ठीक है, आप लोग तो फाइन करके प्रोपेस्ट टाइप करके मसाला बना सकते हैं, डायरेक्ट बना सकते हैं। तो मेरे को जल्दी करने को इसलिए मैं हाफ फ्राई करके इसको निकाल लेंगे। इसके अंदर थोड़ी सी काजू देंगे, 4 से 5 पीस काजू देंगे, पेस्ट कर लेंगे। आप लोग चाहे इसमें दही डाल के वो पेस्ट करते हैं, पानी जरूरत नहीं देगा तो सोडा। तो पेस्ट करके मैं गोभी के साथ डाल दिया। जैसे चिकन का पहले मसाला मिक्स करके रखता है मैंने ऐसा करके, इस तरफ से। इसके बाद में वो प्याज पेस्ट काजू डाल दिया। इसके बाद में ड्राई मसाला ले रहा हूँ, सूखा वाला। सूखा मिर्ची लिया 10 से 12 पीस, और धनिया लिया, लौंग लिया 2 पीस, ब्लैक पेपर मतलब गोल मरीच, इसका मैंने जीरा, साबुत जीरा और दालचीनी 2 टुकड़ा, थोड़ी सी काजू। काजू प्याज में नहीं देगा तो मसाला में दे दीजिए। अच्छा रोस्ट टेस्ट करके इसको पीस लेने को। मैं प्याज ओनली इसमें पेस्ट किया था, काजू नहीं दिया था। देखिए इस तरह से करिए, बहुत अच्छा रहेगा। देखिए रोस्टेड, हल्का सा रोस्टेड किया। इसके बाद में इसको पाउडर कर लेंगे, पूरा बिल्कुल पीस लेंगे। तो दोस्तों सारे को ले लिया, अभी पीस लेंगे। पीसने के बाद उसी के साथ डाल के सारे मसाला को डाल रहा हूँ। देखिए कितना दे दनादन पेस्ट हो गया, मतलब पाउडर हो गया। इसका मतलब अदरक लहसुन पेस्ट डालूँगा। बिल्कुल प्रोसेस चिकन दम बनाता है और इस टाइप का प्रोसेस है। इसके बाद में लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, दही। तो ये आप लोग खट्टा वाला नहीं चाहिए, थोड़ा मीडियम वाला, ज़्यादा खट्टा नहीं चाहिए। जो अच्छी तरह से मिक्स करके कम से कम आधा घंटा तक रख लीजिए। गोभी है, आधा घंटा रखने का कोई ज़रूरत है नहीं। इसको दम में पकाऊंगा अच्छा से। मैं रखूंगा इसको 10 मिनट की, 5 से 10 मिनट इस तरह से रखे। इसके बाद वही हांडी में इसको डाल देंगे। डाल के चूल्हा जला देंगे, और मसाला वाला पानी जो बर्तन में लगा हुआ था उसको मिक्स करके पानी डाल के धो के डाल देंगे। इसे धो के डालने के बाद दोस्तों इस तरफ से मिक्स करने। इसका बाद एक अच्छे वाला ढक्कन लेंगे, ढक्कन डाल देंगे। ढक्कन डाल दिया, ढक्कन डालने के बाद एक बड़ा बर्तन लेके आऊँगा। बर्तन वेट वाला, इसमें पानी है, फिर रख दिया था। फिर खोल के देख रहा हूँ, पक्का 1 घंटा बाद, देखिए आधा से 1 घंटा, देखिए कितना जबरदस्त है, पूरा रोगन छोड़ दिया। देखिए दोस्तों हमारा दम गोभी का खुशबू बहुत जबरदस्त है, आप लोग को क्या बताऊँ, इतना जबरदस्त है बता नहीं पाऊँगा। बहुत कुछ धनिया पत्ता डाल दिया। अभी क्या करेंगे, मैं चूल्हा बंद करूँगा, डायरेक्ट जाऊँगा प्लेट में, आप लोग को साफ करके दिखाऊँगा। एक लिए बॉल इसमें डाल के आप लोग को देखे देखो गारी का कितना टेम्परेचर, बहुत खुशबू है, जबरदस्त है, बहुत मज़ेदार है। आप लोग जरूर ट्रायल करिए, और भूलने का नहीं, जो खाएगा वो पछताएगा, जो नहीं खाएगा तो पछताएगा। दोस्तों
मेरे चैनल को फॉलो कर लीजिए, मात्र सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा दे, क्योंकि इस तरह से रेसिपी में डालने को आप लोग को पहले मोटिव मिल जाएगा। और दूसरा होशियार करिए, ऊपर से एक सूखा मिर्ची डालिए, गार्निश के लिए ज़बरदस्त है। कितना रोगन से गर्म चावल का साथ खाओ का जो मज़ा आएगा ना, वो कभी वो भूल नहीं पाएगा। चलिए दोस्तों, चिकन को छोड़ के गोभी को खाने को स्टार्ट कर देगा, तब तक बाय।